कामरान अली प्रिंटिंग प्रेस के कारोबार से वाबस्ता थे तो उनकी अहलिया सदफ अली मेकअप आर्टिस्ट थी। लॉकडाउन ने मियां बीवी को बेरोजगार किया तो घर में ही ऑनलाइन रेस्टोरेंट बना लिया। ऑनलाइन रेस्टोरेंट की कामयाबी के बाद उन्होंने बाकायदा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें फास्ट फूड की मुख्तलिफ डिशेज सेल कर रही हैं। बीफ बर्गर हो या पास्ता, हर आइटम की क्वालिटी और जायका इंतहाई शानदार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। एक प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस से एक रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे शाकार वजूद में आया, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली और उनकी एलिया सदफ अली। इन दोनों ने पाकिस्तान चौक कराची में एक पुरानी बिल्डिंग में घर के अंदर ही रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और इसके बाद इन्होंने एक स्टॉल स्टार्ट किया। आइए इनसे पूछते हैं इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर आप? अल्लाह का बड़ा करम, दुआएं। कामरान सर, ये बताएं कि किस तरीके से ये आइडिया आया रेस्टोरेंट खोलने का और क्या परेशानियाँ दरपेश आई आपको? हम लोग एक दिन मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मैं और मेरा बेटा, हमने बोला रेस्टोरेंट खोलेंगे तो रेस्टोरेंट हमने खोल लिया। देखें कि अल्लाह पाक ने किस तरीके से हमें रास्ता दिखाया। मेरी मिसेज जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मेकअप आर्टिस्ट रहीं, मुख्तलिफ इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ताला आप सोचें वो कितना मेहरबान है हम पर, इतने बुरे हालात में भी हमारे ऊपर जो उन्होंने मेहरबानी की और हमें जिसलिए हमें जिस तरीके से एक राह पे गामजन किया, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक नई राह दिखाई और हम इस राह को इख्तियार करते हुए इस काम में आ गए। जो प्रिंटिंग प्रेस का काम था वो किस वजह से बंद किया गया? लॉकडाउन होने के बाद जो है ना, आपको पता है हालात क्या हुए। मिसेस मेरी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट थी चैनल के ऊपर, उसके बाद जो है ना वहाँ का भी काम बंद हो गया। हम मतलब जिस वक्त ये काम करती थी मेरे अच्छे टाइम पे, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इनकी किसी चीज़ में से पैसे लेकर अपने घर में चलाया हो या कुछ किया हो, कभी भी ऐसा नहीं किया। तो बस हम करते जाते थे और चलते जाते थे, हमें क्या पता था ऐसा टाइम आना है। एक टाइम यह आ गया कि ये बेचारी काम कर रही होती थी और हम मुँह तक रहे होते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाल दिया। मैं अपने रब से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं अपने रब से। सदफ, ये बताएं कि इतने बड़े बड़े चैनल्स के अंदर आप मेकअप आर्टिस्ट थीं, तो वो फील्ड छोड़ के आप एक घर की शेफ बन के क्यों रह गईं? रेस्टोरेंट की तरफ तो जाना खैर हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो ये अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया और हम उस रास्ते पर चल पड़े, जो कभी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बर्गर बना सकती हूँ या कुछ भी नहीं। मुझे आइडिया ही नहीं था, मतलब मैं क्या किस तरह करूँगी क्या करूँगी, मगर जब करने खड़े हुए तो फिर पता चल गया। इन डिशेज़ का आपने कोर्स किया है और ये सॉसेस के बारे में बताएं कि आप खुद बना रही हैं या बाहर से परचेज़ कर रही हैं? नहीं, सॉसेस मेरी अपनी खुद की हैं, कोर्स नहीं किया। मुझे शौक़ बहुत था पकाने का, बस मैंने सीख के और पका पका के, क्यों जो बोलूँ, मैंने जब शुरू में पकाया तो मुझे नहीं इतना अच्छा आता था, बट लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। आज मैं अपने मोबाइल में देख रहा था, जो हमने पहली बार जिंगर बनाया था ना उसकी तस्वीर मुझे मिली है, और आप देखिएगा कि इन्होंने पहला जिंगर बनाया था और वो जिंगर कैसा बना था। सही। अच्छा सर, वो जैसे कि आपने पहले जिंगर की बात करी, तो वो पहला जिंगर कैसे बना था और वो यादगार जिंगर होगा आपकी लाइफ का? मेरी वाइफ ने थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई, इन्होंने तमाम सॉसेस, तमाम मेयोनीज खुद बनाई। जिस तरह इन्होंने खाना पकाया साथ साथ मुझे भी पकाया। डोराडो फूड्स के मीनिंग क्या है और कैसे डोराडो नाम जहन में आया? मेरा दिल था कि मैं एक गोल्डन फूड्स वगैरह के नाम पर करूँ, बहुत अच्छा लगता है ये, ज़रा नाम पे आसानी से चढ़ जाता है, तो मैं यही सोच रहा था, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये तो थे। तो पीछे से आवाज़ आई मेरे छोटे वाले बेटे को समझाने के लिए, मेरी मिसेज की, कि मैं तुमसे उर्दू में ही बोल रही हूँ या इंग्लिश में बोल रही हूँ? तो मैंने बोला यार ये इंग्लिश बोल सकती है तो मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता। तो मैंने फिर फ्रेंच में नाम ढूंढा, गोल्डन को जो है ना डोराडो कहते हैं, तो मैंने डोराडो नाम लेकर और फिर मैंने डोराडो फूड कर दिया और इस तरीके से गाड़ी चल पड़ी। पहला डब्बा हमें कहीं दिखाने के लिए एक ज़रूरत पड़ गई, बैग और डब्बे हमें चाहिए थे, तो हमने वो प्रिंट आउट निकाल के, और जिस तरह हम लोगों को डमियाँ चेक कराते थे प्रिंट निकाल के, हमने उसी तरीके से चेक कराई। उसके बाद हम उसको प्रिंटिंग पर ले गए, क्योंकि हमें प्रिंटिंग करने से पहले ना इस तरह के जो बॉक्सेज होते हैं, जो इस तरह के कलर्स होते हैं, इनको पहले ना कलर प्रिंट निकाल के अप्रूव कराना होते हैं। तो भाई वो कलर प्रिंट निकाल के इनसे अप्रूव कराया, इन्होंने अप्रूव कर दिया, फिर हमने प्रिंट कर दिया। अच्छा, तो अगर ये कहा जाए कि डोराडो की सीईओ आपकी अहलिया हैं तो गलत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो नौकर हूँ, और अल्लाह ने चाहा मेरा रेस्टोरेंट होगा भी ना तो मेरे काउंटर पर जो है ना मेरे बच्चे और मेरी बीवी बैठेगी, मैं वेटर ही करूँगा ताकि मुझे अपने ये दिन याद रहें हमेशा।
लेकिन करूँगा इसी तरीके से मेहनत, डोराडो फूड के नाम पे इसी तरह मेहनत जारी रखूँगा। सर डोराडो फूड्स पे क्या क्या आइटम्स सेल आउट हो रहे हैं और उनके रेट्स कुछ बता दें। जिंगर बर्गर है, बीफ बर्गर है, चिकन बर्गर है, चीजेस वाले बर्गर हैं, सॉसेस वाले बर्गर हैं, पास्ता है, चाउमीन है, ब्लैक ब्रोस्ट है, चीज ब्रोस्ट है, विंग्स हैं, ड्रम स्टिक्स हैं, फेरी फिंगर्स हैं, नगेट्स हैं, रोल हैं हमारे रैप जो बनाते हैं हम लोग। ये बताएं कि ऐसा कौन सा आइटम है जो सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड है। मेरा चाउमीन और पास्ता बहुत चलता है क्योंकि मेरी अपनी रेसिपी है वो। मेकअप के ब्रशेस हाथ में लेके एक टाइम आपने गुजारा है इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, और इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है, मेरा शायद कैमरा दिखा रहा होगा कि हम तीनों पसीने से लथपथ हैं, तो कैसे फेस कर रही हैं इन सब चीज़ों को? जो हमने कदम उठाया है तो गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो कुछ भी हो, ये काम तो हमने करना है ना। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।